आज का हमारा लेक्चर है कि कैसे हम इमेज की गैलरीज को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ऐड करेंगे। ये काम हम प्लगइन के थ्रू भी करेंगे और विदाउट प्लगइन के थ्रू भी करेंगे। मूव करते हैं हमने डैशबोर्ड की तरफ और हम एक न्यू पेज बनाते हैं जहाँ पर हम अपनी गैलरी को प्रेजेंट कर रहे होंगे। गैलरी के नाम से ही हम एक पेज बनाते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद प्लस के साइन पे क्लिक करते हुए हम इमेज को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपलोड करेंगे। इमेजेस को अपलोड करते जाएंगे, आप इसको साइज को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या आप डिपेंड करते हो रीसाइज कर सकते हैं इजीली। हम यहाँ पर रैंडम कुछ इमेजेस को ऐड करेंगे। ये बेसिकली हम एक गैलरी बना रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल इमेजेस जो है हमारी शो होंगी। ठीक है, आप इनको ग्रुप कर सकते हैं, एक लाइन में करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे आप इसको सर्कल कर सकते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन आप यहाँ से इसको सेट करके कर सकते हैं। सामने वेट कितनी देनी है, हाइट आप कितनी देना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हमसे रीसेट करते हुए भी यहाँ से इसकी परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वो वेट और हाइट की इमेज जो है प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और यहाँ से भी अगर मैं इसे 200 मल्टीप्लाई बाय 200 की हाइट देना चाह रही हूँ तो वो मैं इस तरह से भी सेट कर सकती हूँ इमेज को। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि हम इसको ग्रुप कैसे करेंगे, मतलब इमेजेस का एक ग्रुप बनाना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पर कॉलम्स वाइज भी कर सकते हैं, इसको ग्रुप भी कर सकते हैं और एक गैलरी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब गैलरी पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज और उसके साथ आप यहाँ पर मजीद जो इमेज करेंगे वो आपकी अब इसके साथ ही ऐड होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये आपके साथ इसमें ऐड होती जा रही है, एक गैलरी बनती जा रही है। वो रैंडम, पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप 2-3 इस तरह अपनी कुछ टेक्स्ट के साथ इमेज को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मैं इसके साथ कोई टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर गैलरी तो आप यहाँ से इसमें मजीद अपलोड करते जाएंगे और ये आपकी इमेजेस जो हैं वो इस तरह से ऐड होती चली जाएंगी। यहाँ पर एक सेटिंग बनती जा रही है, उनकी कॉलम्स बनते जा रहे हैं। इसको हम जो है वो अपडेट कर देते हैं और अपनी साइट पे रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक सो हमने ऐड टू मेन्यू जो है वो किया हुआ था कि ऑटोमेटिकली कोई भी पेज बनाए तो वो ऐड टू मेन्यू में शिफ्ट कर जाए। तो इस तरह गैलरी हमारी यहाँ शिफ्ट हो गया और वो इमेजेस भी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही हैं। ये तो हो गया तरीका प्लगइन के बगैर। ठीक है, कोई प्लगइन नहीं यूज किया, मैंने जस्ट इमेजेस ऐड किए। अगर आप इन इमेजेस में कोई इफेक्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं लाइट बॉक्स का, और आप चाहते हैं कि आप इस इमेजेस को अपने होम पे भी यूज करें, एक दफा गैलरी बनाए उसे रैंडमली आप कहीं पे भी यूज करें, एक जगह पे दो जगह पे आप उसे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि एक ही जगह बने वो और मल्टीपल प्लेसेस पे यूज हो जाए, तो उसके लिए हम एक प्लगइन यूज करते हैं और उसके शॉर्ट कोड को हम मल्टीपल प्लेसेस पर यूज कर सकेंगे। इसलिए हम आप डैशबोर्ड की तरफ मूव करते हैं और एक प्लगइन है हमारे पास जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। उस प्लगइन का नेम है रिस्पॉन्सिव एंड लाइट बॉक्स गैलरी। हम सर्च करते हैं तो आपके पास वो सही उसका नेम प्रेजेंट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी नेम है। इस तरह से आपकी गैलरी भी बन जाएगी और साथ साथ आपके पास लाइट बॉक्स का इफेक्ट भी आ जाएगा। और आप उस गैलरी के शॉर्ट कोड को या सॉफ्ट कोड जो होता है हमारे पास उसको आप यूज कर सकेंगे मल्टीपल प्लेसेस पे। ये इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर वो एक टूर दे रहे हैं कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं, फिर क्या क्या ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मजीद इस पे टूर करने के बजाय हम जो है अपनी गैलरी में इमेजेस ऐड करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि कैसे आपको एक सिंपल वे विदाउट प्लगइन कैसा इफेक्ट मिल रहा है और विद प्लगइन आपको कैसा इफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं और आप रिमोटली भी ले सकते हैं लाइब्रेरी से। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इमेजेस को जो जो हमारी गैलरी में, सॉरी मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद हैं।
अब आपके पास यहाँ पर इसकी सेटिंग भी मौजूद है कि आप इसका क्या डिजाइन करना चाहते हैं, आप कैसा थंबनेल आइकन यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, और आप जो है इसमें कैप्शन क्या देना चाहते हैं, आप कलर क्या बैकग्राउंड का यूज करना चाहते हैं, बॉर्डर कलर आप क्या देना चाहते हैं, टाइटल का कलर आपने क्या देना है, इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। हवर इफेक्ट क्या है आप रैंडमली जो है वो चूज करके इसको चेंज करके देख सकते हैं कि सारे इफेक्ट्स में आपको कैसे कैसे प्रेजेंट हो रहा है। लाइट बॉक्स आप देख सकते हैं कि ऑन है, यहाँ पर आपकी कस्टम साइज आपको दिया गया है कि आप इमेज को कस्टम हाइट एंड वेट दे सकते हैं, और ये इमेजेस हमने कुछ कि यहाँ पर आपके पास जो है वो पेज पर इमेज यानी कि एक इमेज पर पेज आपकी कितनी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि इसके बाद ये रिवीजन हो जाएगी इमेजेस की, तो हम यहाँ पर ज्यादा कर लेते हैं कुछ 5 इमेजेस कर लेते हैं, और इस तरह से फिर वो रिवीजन करेंगे पेजेस में कि कोई 5 इमेजेस एक पेज पर बाकी आपकी नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर जाएंगी। उसके बाद हम जो है वो इमेजेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें ये कोड आ रहा है, ये जो सॉफ्ट कोड है इस कोड को यूज करते हुए आप अपनी इमेजेस को कहीं पे भी जो इमेज आपने ऐड की इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ये जो कोड है ये पीएचपी का है, अगर आप पीएचपी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड करेंगे। अभी क्योंकि हम जो है वो डैशबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं काम, तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने गैलरी वाला जो हमने पेज बनाया था वहां पे जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, और इसको हम होम पेज पे भी कोड को डिस्प्ले कराएंगे ताकि आपको ये चीज भी समझ आ जाए कि हम जो है इसे मल्टीपल प्लेसेस पे प्रेजेंट कर सकते हैं। शॉर्ट कोड लेंगे हम यहाँ से और यहाँ पर अपना शॉर्ट कोड प्लेस कर देंगे। अपडेट करते हैं और अपने पेज की तरफ व्यू करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर आप देखें कि आपकी इमेजेस जो हैं लाइट बॉक्स, ये देखें हमने पिक्चर सेलेक्ट किया था तो पिक्चर आ गई है, और आपके पास यहाँ पर एक इफेक्ट दे रहा है वो इनकी साइजिंग और इनका एक आपने जो है क्या कहते हैं कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, ये सब कुछ हम यहाँ से इसके गैलरी के डैशबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम गैलरी की तरफ मूव करते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं, एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है सेटिंग के ऑप्शन होंगे कि हम कितनी जो है वो मीडियम साइज रखना है, हमने हम थंबनेल साइज रख सकते हैं, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने कॉलम्स आपके होने चाहिए, तो हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी बेसिक ग्रेड हम कह देते हैं, स्लाइडर भी आप कर सकते हैं, बेसिक मेंसोरी भी आप इसकी जो है वो चूज कर सकते हैं ऑप्शन को। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको अफेक्ट को जो है ना वो 4th अफेक्ट जो है सेलेक्ट करके देखते हैं और इसको अब हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉलम्स भी हो गए हैं 4, और उसके बाद जो है वो अफेक्ट भी चेंज हुआ है इसका। तब यहाँ पर मीडियम है और आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग कॉलम्स जो है वो 1, 2, 3, 4 सेट हुए हैं, जबकि यहाँ पर तो हमने 3 मतलब सेलेक्ट किया था ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आपके पास 4 आ रहे हैं। तो इस चीज को आप कैसे ठीक कर सकते हैं कि ये देखें डेस्कटॉप की अलग उन्होंने दी हुई है 1200 पिक्सल से अगर बड़ा होगा, ठीक है, और अगर मीडियम डिवाइस होगी डेस्कटॉप की तो आपके पास 3 कॉलम होंगे। अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं बस 3 कॉलम में ही इमेजेस जो है वो प्रेजेंट हो, और यहाँ से क्योंकि हमारे पास इमेजेस के साइज जो है वो मुख्तलिफ हैं, कोई इमेज बड़ी है कोई इमेज छोटी है, तो हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं थंबनेल के साथ, या आप यहाँ से अपनी वेट भी डिफाइन करके कर सकते हैं। अपडेट करेंगे और अब हम अपनी साइट पे मूव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके पास 3 जो है वो कॉलम्स हो गए और उसके बाद इमेजेस भी जो है वो एक साइड से हो गए और उनपे इफेक्ट भी आ गया, जबकि यहाँ पर इमेजेस थी इन पे अफेक्ट नहीं आते, सिंपल इमेजेस थी आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा था जब हम होवर कर रहे थे इसके ऊपर, और जो इमेजेस के साइज का इशू है थंबनेल है सबसे इमेज छोटी हुई है, तो आप जो है इसको इमेजेस के साइज को जो है वो कस्टम कर सकते हैं, समय आप यहाँ लार्ज कर दो, ठीक है, तो उसका अफेक्ट और होगा।
और उसके बाद हम रो की हाइट को भी यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हुए 200 कर देते हैं। रो की हाइट भी डिपेंड करती है कि हम इमेजेस के साथ कैसे उसको सेट करना चाहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। और इसका फायदा ये होगा कि आप एक जगह पे लोकेशन पे चेंज करते हुए अपने इमेजेस की गैलरी को मुख्तलिफ जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपडेट करके हम एक दफा व्यू करते हैं। तो देखें यहाँ पर आपके 3 इमेजेस हैं क्योंकि हमने साइज चेंज कर दिया। इन इमेजेस का साइज है वो फिर भी कस्टमाइजेबल, आप एक इमेज का साइज लें, एक जैसे साइज लें, उसके बाद आप उनको यहाँ पर डिस्प्ले करा दें। टोटली आप यहाँ से स्लाइडर भी बना सकते हैं, हम स्लाइडर की तो मूव करते हैं। तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद यहाँ आप देखें कि अब ये एक स्लाइडर में आपके पास इमेजेस आ रहे हैं। ये देखें अब आपके पास ये स्लाइडर की तरफ मूव करनी है। पहले जो था ये तो सिंपल आपने इमेज लाइन को अफेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ पर आप इसमें अफेक्ट भी देख रहे हैं और इससे आप स्लाइडर भी बन सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास का ऑप्शन था मंसूरी का, ये आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस प्लगइन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।